नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू एक्सेल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। आज मैं फिर से आपके लिए कुछ बेसिक फार्मूले लाया हूं एक्सेल के। इससे पहले मैंने बेसिक फार्मूले से रिलेटेड 3 वीडियो पोस्ट किए थे। आज मैं कुछ फार्मूले आपके लिए ले आया हूं, जिसमें से मिड, मॉड, लेन, सम, एसक्यू, एड्रेस, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, आईएसओ, वीकनम, कॉन्किनेट आदि है। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों मिड फार्मूले पे। मिड फार्मूला क्या करता है? मिड फार्मूला ये कोई भी वर्ड है, उस वर्ड के बीच से हमें टेक्स्ट निकाल के देता है। क्या करता है? वर्ड के बीच से टेक्स्ट निकाल कर देता है। जैसे देखिए, इक्वल मिड टाइप किया हमने। सबसे पहले यहां देखिए हिंट में दे रहा क्या लेना हमें सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट। हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाया। अब हमसे कह रहा स्टार्ट नंबर, हमें स्टार्टिंग से किस नंबर से चाहिए। मान लीजिए हमें इसमें सिर्फ एच ए वाई चाहिए। क्या चाहिए? एच ए वाई। तो एच स्टार्टिंग से किस नंबर पे है? 1 2 3, थर्ड नंबर पे है, तो मैंने लिखा 3। और टोटल हमें कितने वर्ड चाहिए? हमें एच ए वाई चाहिए। एच ए वाई में कितने वर्ड है? 3। तो मैंने फिर से लिख दिया 3, सिर्फ के साथ ब्रैकेट बंद और इंटर। देखिए यहां पर क्या आ गया, एच ए वाई। ठीक है, आगे नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं, मॉड। मॉड फार्मूला क्या करता है? मॉड फार्मूले का यूज होता है शेषफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखिए इक्वल मॉड, सबसे पहले मैंने नंबर सेलेक्ट किया, नंबर कॉमा डिवाइजर, किससे डिवाइड करना है, मतलब 8 से डिवाइड करना है। मैंने 8 को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद किया और एंटर कर दिया। देखिए हमने 8 से डिवाइड किया तो हमारा शेषफल कितना आया? 0। अगर यहीं पर हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, 40 की जगह 44 करते हैं, तब देखिए हमारा आंसर चेंज हो जाता है और शेषफल कितना आ गया? 4। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फार्मूले लेन पर। दोस्तों लेन फार्मूला क्या करता है? ये वर्ड्स में लेटर की काउंटिंग करता है। जैसे देखिए इक्वल लेन, टेक्स्ट कह रहा है, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और इंटर। देखिए अब हमें कितने अक्षर थे? 5 अक्षर थे, तो उसने दे दिया क्या? 5। ठीक है, आगे मैं चलता हूं, फार्मूला है मेरा सम एसक्यू। दोस्तों सम एसक्यू फार्मूला क्या करता है? ये दो अलग अलग नंबर्स की, ठीक है, तो ये सम एसक्यू फार्मूला क्या करता है? ये दो अलग अलग नंबर्स का स्क्वायर करता है और उनको आपस में जोड़ता है। देखिए कैसे, इक्वल सम एसक्यू। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है? नंबर 1 कॉमा नंबर 2। नंबर 1 मैंने इसे सिलेक्ट किया, कॉमा नंबर 2, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद किया और इंटर कर दिया। देखिए ये दोनों संख्याओं क्या कर रहा है? आपस में वर्क करके जोड़ दे रहा। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, एंड 7 का स्क्वायर 49। 49 प्लस 25 अगर हम करके देखते हैं तो इसका आंसर कितना आ रहा है? मैं यहाँ पे ऑल्ट इक्वल कर देता हूं। देखिए इसका आंसर भी कितना आ रहा है? 74। ठीक है, ठीक है, आगे मेरा फार्मूला है एड्रेस। देखिए इक्वल ए डबल डी आर ई डबल, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है मुझसे? रो नंबर। रो नंबर मैंने दे दिया इसे, कॉमा कॉलम नंबर। कॉलम नंबर मैंने दे दिया इसे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और इंटर। देखिए इसका एड्रेस आ गया D2। जैसा कि आप जानते हैं जो एड्रेस होता है वो आपके कॉलम और रो नंबर से मिलकर बनता है। ठीक है, आगे मैं चलता हूं, कुछ फार्मूले मेरे C2 पे मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए आपका राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, आईएसओ, वीकनम और कॉन्किनेट फार्मूला रखा हुआ है। जैसा कि राउंड फार्मूला है आपका, ठीक है, राउंड फार्मूला, देखिए राउंड फार्मूला क्या करता है? मैंने किया इक्वल राउंड, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? नंबर, मैंने नंबर को सिलेक्ट किया, कॉमा और 0, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद। दोस्तों ये क्या करता है? इसमें जो वैल्यू आपकी 0.5 से अगर कम है, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर आपकी 0.5 से कम है तो उस वैल्यू को ये घटा देता है, जबकि कोई वैल्यू क्या है, अगर आपकी 0.5 से अधिक है तो इसको एक वैल्यू बढ़ाकर एक पूर्ण संख्या बना देता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी क्या किया, मैंने 0.35 को किया। आगे मैं देखता हूं 0.68 के लिए इक्वल
राउंड नंबर मैंने इसे सिलेक्ट किया, कॉमा दिया, जीरो सिप के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए 0.5 से वैल्यू अधिक थी, इसको बढ़ा के क्या बता दिया, 1। आगे देखिए राउंड फार्मूला इक्वल राउंड अप। राउंड अप फार्मूला क्या करता है, वैल्यू या 0.5 से कम हो या ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हर वैल्यू को इंक्रीज करके देता है। देखिए जैसे 0.36 है, मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा, जीरो सेप के साथ ब्रैकेट बंद किया और एंटर। ठीक है, इसको भी इसने क्या वैल्यू इंक्रीज करके 1 कर दिया। ऐसे ही अगर मैं 0.74 को भी करता हूं तो भी वही होगा। ठीक है, आगे मैं चलता हूं राउंड डाउन। राउंड डाउन फार्मूला क्या करता है, या वैल्यू 0.5 से कम हो या ज्यादा हो सबकी वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करके देता है। इक्वल राउंड डाउन, नंबर्स सेलेक्ट किया, कॉमा, जीरो शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए ये 0.5 से वैल्यू मेरी ज्यादा थी, फिर भी इसने इसका आंसर डिक्रीज करके 0 कर दिया। ठीक है, आगे मैं चलता हूं, मेरा सेकेंड लास्ट फार्मूला है आईएसओ वीकनम। ठीक है दोस्तों, आईएसओ वीकनम फार्मूला क्या करता है, ये फार्मूला आपको वर्ल्ड 2007 में नहीं मिलेगा, ये आपको 16 में, 10 में, इन सब में मिलेगा। आईएसओ वीकनम फार्मूला क्या करता है, ये हमें सप्ताह बताता है। ठीक है, जैसे कि डेट यहां पर 21 है, ठीक है, तो 21 तारीख तक में कितने सप्ताह होंगे। ठीक है, मैंने लगा दिया इक्वल आईएसओ वीकनम, डेट में से सेलेक्ट किया, सिर्फ के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए 21 तारीख तक में 3 सप्ताह हो सकते हैं, तो यहां पे आंसर दे रहा है 3। ठीक है, आगे चलते हैं हम कॉन्केनेट फॉर्मूले पे। इक्वल, ठीक है, क्या कह रहा है, टेक्स्ट 1 सेलेक्ट किया, कॉमा, टेक्स्ट 2 इसे सेलेक्ट किया, सिर्फ के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर। क्या करता है ये एक से अधिक सेल में जो भी टेक्स्ट है उसको ये एक सेल में एक साथ जोड़कर बताता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितने फार्मूले आपको बताए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। धन्यवाद। और साथ ही HTML से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को आप जरूर फॉलो करें, और याद रखें इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।